गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों अभी तक मैंने आपको दिखाया आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का डेवलपमेंट, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब भी देखिए कोई तरक्की होती है या कोई क्रांति आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो बर्बादी लाती ज़रूर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हूँ इस टाइम गंगा मोटर कमेटी पर, जहाँ पर 100 साल पुरानी, कम से कम 100 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया गया है सिर्फ आरआरटीएस के डेवलपमेंट के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए जब मैंने आपको वैशाली वाले स्टेशन की आपको अपनी यहाँ पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो की अपडेट दी थी। तो आज मैं आपको वो क्लिपिंग दिखा रहा हूँ। इसका मेन रीजन यही है कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो ये अभी यहाँ पर कार्रवाई हुई है ध्वस्तीकरण की, कि यहाँ पर ये दुकानें कैसी थी। तो आप सामने देखे जहां एक्टिवा वाला जा रहा, उसके राइट साइड में देखे ऑटो के आगे ली तरफ, तो ये वो जगह थी जो अब तोड़ दी। तो ये वे सारी की सारी दुकानें थी जो अब नहीं रही। और यहीं पर आपको जहां पर गाड़ियां दिखाई दे रही है वो टैक्सी स्टैंड है सामने, जो गाड़ियां खड़ी है, कारें खड़ी है, ये देखिए राइट साइड में ये वो टैक्सी स्टैंड है जो बहुत पुराना था। हमने तो जब से आंख खोली है तब से हम यहाँ पर टैक्सी स्टैंड देखते आ रहे थे। अब इनका कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर बनेगा तो मेट्रो स्टेशन। ये थी मुर्दा घाटी बोले तो यहाँ पर गंगा मोटर कमेटी, और यहाँ पर काफ़ी दुकानें थी और यहाँ पर पुराना टैक्सी स्टैंड हुआ करता था। तो सब की सब जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का जो वर्क है उसके लिए इन्होंने ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जेसीबी, पूरी तरह से सब डिमोलिशन कर दिया है यहाँ पर। इधर की अगर मैं दिखाऊँ आपको आगे से, और ये क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है आरआरटीएस एनसीआरटीसी, यहाँ पर वैशाली ग्राउंड वाला आपका स्टेशन बन रहा मेट्रो और आपका आरआरटीएस का रैपिड रेल का हमारा, तो उसी के अंडर में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन लोगों ने यहाँ पर भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर उनको ज़मीन की ज़रूरत है नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए। तो ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मार्केट थी यहाँ पर गंगा मोटर कमेटी के अंडर में जो आती थी, ये पूरा का पूरा इन लोगों ने यहाँ से इन लोगों को तोड़ दिया गया है। मैं अभी और कुछ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर्स की और आपके रिपेयर इसकी रिपेयरिंग की स्पेयर पार्ट्स की, और जो यहाँ पर आपका मैकेनिक की काफ़ी सारी दुकानें थी यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एरिया सब तोड़ दिया गया है। तो बहुत टाइम से था यहाँ पर ये दुकानें, 100 साल से पुरानी पुरानी दुकानें थी ये सब। इसे कहते हैं जब गवर्नमेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट ले लेती है। यहाँ पर बर्फ होता हो उस तरफ से लेकर के और यहाँ गंगा मोटर कमेटी तक के लेकर गए, टोटल 18 दुकान थी यहाँ पर, 18 दुकानें थी जिनका यहाँ पर जिनको ढहा दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया ये सब की सारी जो चीज़ें हैं ये सब आरआरटीएस आपका और मेरठ मेट्रो के अंडर में ये ज़मीन आ गई है। तो यहाँ देख सकते हैं ये वर्क है, और इधर मेरा हाथी मेरा साथी, और सामने की अगर मैं उधर की बात करूँ तो शहीद स्मारक अशोक किलाड़। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये घर है। अब इस घर का वैसे तो तोड़ दिया गया पूरा, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है सामने लैंटर है ये भी गिराया जाएगा, सामने वाली दीवार है। अब आप देखेंगे कि इसको भी गिराने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कैसे कैसे करके गिराना है। इंजीनियर्स जो खड़े हैं वो गाइडलाइन देते हुए जेसीबी के ड्राइवर को। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हैं सामने पे, अगर हम दीवार पे देखें तो सामने दीवार पे कुर्ता और एक अंगोछा जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादातर पंडित लोग साथ रखते हैं, पंडित जी साथ रखते हैं, वो भी सामने सूख रहा धुला हुआ। और यहाँ पर ये इंजीनियर्स आपस में कुछ बातें बताते हुए, आपस में कुछ सेटिंग करते हुए कि भाई कैसे कराया जाए, क्या कैसे कराया जाए। आप देखें जेसीबी बैक जाने लगी है क्योंकि उसको अपनी सेटिंग बनानी है।
जिस जगह को तोड़ना उसके लेवल तक उसको आना पड़ेगा, फिर वहाँ पर अपने पैर जमाने पड़ेंगे, उसके बाद ही जेसीबी वर्क करती है, क्योंकि पहले वो अपना सॉलिड बेस बनाती है। और ये देखिए, ये इंजीनियर ने यहाँ पर मारा है पत्थर, आपने देखा कि यहाँ पर पत्थर मारा है। यहाँ पर पत्थर मार के ड्राइवर को यह इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जो आगे वाला जो मुंह होता है इसका, जबड़ा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस पिलर को हटाना और क्या करना है। तो ये वाला पोर्शन अब इसको डैमेज किया जाएगा यहाँ पर। तो आप देखें जेसीबी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और वो अपना एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ तक आने के लिए एक सॉलिड बेस भी बनाना पड़ता। तो आप देख रहे हैं उठ के आई है, और ये जो सामने आप ये सोकर वाले इनके पैर होते हैं, इनको बिल्कुल सेट जगह रखना होता है, क्योंकि इन्हीं बेस पर जब ये बिल्कुल सेट टिक जाती है तभी ये उठ करके वर्क कर पाती है। तो जबड़ा चालू हो गया गिराने के लिए, और ये लगा दिया इसने अपना पंजा। भाई साहब राक्षस मशीन है ये, राक्षस। ये पल भर में सालों की बनाई हुई बिल्डिंग को, मेहनत को, साल की, ये पल भर में गिरा देती है। एक मुंह मारा और पूरी बिल्डिंग धराशी है। तो इसने उधर से पहले इसको पूरी की पूरी, क्योंकि ये दीवार गिरी हुई है, इसको पहले उस साइड से गिराने की कोशिश करी थी, लेकिन शायद वहाँ पर रिस्क है कोई, तो इसको दूसरी साइड से गिराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी इसको ड्राइवर साहब को फॉलो करने होते हैं इंजीनियरों के, कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। तो इसको पलटा दिया जाएगा पहले। तो आप देख सकते हैं ये उठा, और इसके साथ साथ देख रहे हैं सामने लैंडर भी नीचे को आ रहा है। ये देखिए सामने वाली दीवार, इसके साथ साथ ये भी नीचे। ओ भाई साहब गई ढलक यहाँ तक महसूस हुई इसकी। वो अनऑथराइज तोड़ता है या कुछ क्राइम क्रिमिनलों को तोड़ता है, ये डेवलपमेंट है, ये उसने तोड़ी जा रही है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो बचा कुचा लेंटर है उसको भी डिमोलिशन करा जा रहा है, यहाँ से तोड़ा जाएगा। आप देखिए, आप पूरा का पूरा गया थे। पीछे मंदिर निकल गया है यहाँ पर, जो गंगा बॉर्डर कमेटी है। तो ये है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मैंने आपको दिखाया था आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का, तो उसी से रिलेटेड है कि ये जगह, और कैसे हैं भैया, तो उसी से रिलेटेड है कि ये जगह यहाँ पर खाली कराई जा रही है मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए, आपका जो मेरठ वैशाली ग्राउंड का स्टेशन है उसके बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है डिमोलिशन का काम, यहाँ पर लिया जा रहा कब्जा। तो यहाँ पर गंगा मोटर कमेटी और 18 दुकान थी, यहाँ पर 18 दुकान थी, तो वो है। और एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ, ये चलो, ये तो अपनी मौसम्बी वैशाली मेट्रो रोडवेज, आई थिंक रोडवेज की है, या ये डक्का मार बस है कह नहीं सकता, क्योंकि इस जगह सारी डक्का मार बसें ही रुकती हैं ज़्यादातर। तो सामने है हमारे जो हमारा आरआरटीएस और भैंसाली ग्राउंड का स्टेशन, ये पूरा, और इस तरफ इसका और जो जगह चाहिए थी वो। चलिए तो चलते हैं हम यहां से, ये अपना हाथी मेरा साथी आज बरसात में हो गया पूरा का पूरा, बढ़ते हैं हम आगे। और आज हमारे साथ है सागर, सागर वालिया, बैठो सागर जी। एक दुकान बची है, ये दुकान किस्मत है जो बची है, जहाँ तक ये लास्ट दुकान बची है, उसके बाद आती है गंगा मोटर कमेटी, ये बच गई है जगह है यहाँ पर, पूरी की पूरी नहीं तो पूरी ले ली गई है यहाँ से, एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। और सामने रास्ते में भर गया है पानी, बारिश आई है ज़बरदस्त।
चल मेरे हाथी, ये तो चली जाएगी है ना, रुक है गड्ढे का डर था बस कि कोई गड्ढा तो नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया है ध्वस्तीकरण, गड्ढे में गिरने का डर रहता है हमारी RRTS और मेरठ मेट्रो के स्टेशन के लिए, क्योंकि उनको जमीन की जगह की जरूरत थी, अधिग्रहण की जरूरत थी, तो वहाँ पर जो दुकानें बनी हुई थी उनको आज दराशिप कर दिया गया है और उस जगह को अपने पूरे पूरे अपने अंडर में ले लिया गया है। वहाँ पर शटरिंग भी लगा दी गई है, अब वहाँ पर कोई दोबारा से कोई कब्जा नहीं होगा, तो अब वहाँ पर बनेगा एक भव्य मेरठ का RRTS और मेरठ मेट्रो का स्टेशन। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हम भरी बरसात में भी उसको कवर करने गए, पूरा मार्केट बरसात की वजह से बंद है, आप देख रहे हैं इतनी तेज़ बारिश आएगी मार्केट का बंद, कोई दुकान नहीं खुली हुई है। मिलते हैं दोस्तों आपको फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए आप मेरी लाखों व्यू में जाते हैं लेकिन लाइक कितने आते हैं, 3,000, 4,000, 5,000। जब आप लाखों व्यू करते हैं और लाइक आते हैं 4,000, 5,000, 5,000, तो दोस्तों थोड़ा सा दुख होता है। तो दोस्तों साइड में जो माउंटेन का निशान होता है उसको लाइक भी कर दिया करो यारो। और आज मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, थोड़ा सा आप और देखिए मेरी वीडियो को, तो मैं दिखाता हूँ ये सड़क, ये सदर जिनको कहते हैं ना कि सदर मेरठ का बहुत ही सबसे ज्यादा लोग बाग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम चलो हमें सदर में रहने को मिल रहा है, हम सदर में रहते हैं। तो आज आप वहां पर सदर की सड़कों की हालत देखिए, बारिश जो ये हुई है ना थोड़ी देर बारिश हुई और इसमें देखिए सड़कों की हालत, तो देख रहे हैं सदर की सड़कों में पानी का जल भराव, ये है सदर आज के टाइम में। देखिए जिधर भी देखें उधर पानी ही पानी, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, सामने से आप मोटरसाइकिल वाले को देख सकते हैं किस तरह से निकाल के ला रहा है वाला भाई, मैं अपने हाथी मेरे साथी को इस पानी में नहीं घुसेड़ू। तो मैं लेता हूं यहां से टर्न और यहीं पर पीछे एक गली है वहां से निकाल के ले जाता हूं, मुझे तो इसी पानी में पूरा पूरा लग रहा है, थोड़े से 2 इंच पानी में भरा हुआ सड़क पे। इसको दोस्तों हम चलते हैं सड़क सदर की एक और तंग गली से अपने हाथी मेरे साथी के साथ, क्योंकि इसको जाके मुझे वैसे भी धोना है, बारिश जगह जगह लग चुकी है, पहिए में इंजन में इधर उधर लग चुका गंदा पानी, तो जाते ही मैं समरसेबल चला के इसको धोऊंगा पहले, तब जाके इसको घर के अंदर लूंगा। तो दोस्तों पहले मैं छोड़ूंगा सागर को जो मेरे साथ आए थे, हम लोग गए थे RRTS के जो वहां पे धस्तीकरण की कार्रवाई हो रही उसको रिकॉर्ड करने गए थे, तो मैं और सागर गए थे। तो यहां पर देख सकते हैं आप सदर की तंग गलियों में डेयरी भी है, दूध की डेयरी, तभी ये सड़कों पर गोबर गोबर दिखाई दे रहा, कभी निकलना ही नहीं होता इन गलियों में से, आज पता नहीं 20 साल में या 15 साल में कब निकल के पहली बार आया उधर से। तो ये सड़क आ गई है आपकी सदर थाने वाली सड़क, और सामने है SD इंटर कॉलेज, बॉयज इंटर कॉलेज बिल्कुल सामने की तरफ, वो जो सामने गेट दिखाई दे रहा सड़क के दूसरी तरफ। तो दोस्तों ये है सदर इंटर कॉलेज, सदर का SSD इंटर कॉलेज, सदर सनातन धर्म इंटर कॉलेज, और यहीं से मैं राइट को हो जाता हूँ क्योंकि मुझको सागर को छोड़ना उसके घर पर। और ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है ये है दीवान पब्लिक स्कूल, एक एजुकेशन बेल्ट में एक दीवान पब्लिक स्कूल का एक बहुत अच्छा नाम है, और यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए थोड़े से घोड़े खोलने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं छोड़ देता हूँ सागर को यहीं पर और मैं बढ़ता हूँ घर की तरफ को, तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, फिर तब तक के लिए बाय बाय। उतरो भैया, सागर भैया यहीं उतर जाओ।